गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कवर्ड स्मट की लाइफ साइकिल। हमने लूज स्मट की लाइफ साइकिल पढ़ ली थी। आज हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ कवर्ड स्मट। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइकोटा, सब क्लास हेटेरो बेसिडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर एस्टिनागियन्स, फैमिली एस्टिलैगिनेसी, जीनस कवर्ड स्मट। बेसिडियोमाइसिट्स क्लास से बिलोंग करता है। डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, इसलिए सब क्लास बेसिडियोमाइसिट्स है। ऑर्डर एस्टिलैगोस है, फैमिली एस्टिलैगोस है, और जो जीनस है एस्टिलैगो। जो कवर्ड स्मट के जो मेन होस्ट हैं वो होस्ट और बार्ले है। और इनमें जो कवर्ड, इन दोनों होस्ट में जो पैथोजन कवर्ड होस्ट को करता है, उस पैथोजन का नाम है एस्टिलैगो हॉर्डाई। होस्ट है बार्ले एंड ओट। बार्ले और ओट में जो कवर्ड स्मट को कॉज करता है वो है एस्टिलैगो हॉर्डाई। दोनों ही ग्रैमिनी फैमिली की जो है क्रॉप है, और बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि किस तरह से ये इन्फेक्शन होस्ट में करता है, और किस तरीके से इसका इन्फेक्शन होस्ट में एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैलता है। लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम याद रखेंगे कि टेलिटोस्पोर का जहां टर्म आती है, टेलिटोस्पोर का मतलब है डिप्लॉइड स्पोर, क्योंकि टेलिटोस्पोर एक डिप्लॉइड स्पोर है जिसका जो मेनली रेस्टिंग के लिए बनता है प्लांट में, तो एक तरीके से रेस्टिंग स्पोर है। लाइफ साइकिल इसकी हम टेलिटोस्पोर से ही शुरू करते हैं। जब टेलिटोस्पोर होस्ट में बन जाता है, और जो कवर्ड स्मट का जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जहां पर वो इन्फेक्शन करता है, वहां पर वो डिजीज नहीं करता है, क्योंकि जो कवर्ड स्मट डिजीज है वो एक सिस्टमेटिक डिजीज है जो प्लांट में पूरे प्लांट से होते हुए एक टारगेट साइट पर जाकर सेट होती है, और वहां पर वो अपना जो है जर्मिनेशन करती है। जो कवर्ड स्मट की जो इन्फेक्शियस साइट है जहां से वो इन्फेक्शन करता है वो है जहां पर वो इन्फेक्शन करता है हेल्दी होस्ट में वो है सीडलिंग। और जहां से इन्फेक्शन फैलता है, जहां पर इन्फेक्शन सेट होता है, वो है मैच्योर ईयर, यानी कि परिपक्व बाली। बाली में ये इन्फेक्शन बाली के डेवलपमेंट के, ईयर के डेवलपमेंट के साथ साथ जो होता है डेवलप होता जाता है। तो इन्फेक्शन इसका सीडलिंग में होता है, सीडलिंग के थ्रू ये एंटर करता है और
स्टाइलम के थ्रू होता हुआ ये लास्टली कहाँ सेट होता है, इनफ्लोरसेंस में होस्ट के सेट होता है। लाइफ साइकिल देखते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट की जो इन्फ्लोरसेंस है वो पूरी ब्लैक हो जाती है, उसके दाने पूरे ब्लैक हो जाते हैं और वो जो ब्लैकिश मास है वो मास है टिलिटोस्पोर का। तो इन्फेक्टेड ईयर विद टिली स्पोर ऐसा होता है, ब्लैक होता है और जो पूरे ग्रेन होते हैं वो मास ऑफ टिलिटोस्पोर से भरे होते हैं। टिलिटोस्पोर इनिशियली स्टेज में पहले डाइकैरियोटिक होता है और थिक वॉल्ड होता है। दो न्यूक्लियस होते हैं इसमें इनिशियल टिलिटोस्पोर में, दोनों ही न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं और अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। इनिशियल टिलिटोस्पोर जो मैचुरेशन के बाद इसमें हो जाते हैं डिप्लॉइड, न्यूक्लियस डिप्लॉइड हो जाता है और वॉल जो पहले इनिशियल उसमें ब्राउन कलर की थी ब्लैक कलर की हो जाती है। ये टिलिटोस्पोर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इनके ऊपर जो सीड कोट की जो बहुत ज्यादा थिन और वीक जो लेयर है वो लगी रहती है। और जब थ्रेशिंग होती है, जब गेहूं की थ्रेशिंग होती है, उस समय ये जो वीक सीड कोट वाले इन्फेक्शियस सीड है वो फट जाते हैं, उनकी सीड कोट रप्चर हो जाती है और ये जो मास ऑफ टिलिटोस्पोर है बाहर निकल आता है और जो दूसरे हेल्दी सीड है उनकी सरफेस पर अटैच हो जाता है। अटैच हो जाता है, लिबरेटेड मास ऑफ टिलिटोस्पोर विच अटैच टू द सरफेस ऑफ हेल्दी सीड। हेल्दी सीड पर के ऊपर ये मास चिपक जाता है और जब हम ऐसे सीड को स्टोर कर लेते हैं तो ये भी स्टोर हो जाता है, ये भी स्टोर हो जाता है हेल्दी सीड के साथ। और जब तक ये सीड स्टोर रहते हैं ये भी इन्फेक्शन इननेट फॉर्म में बिना जर्मिनेट हुए सरफेस पर एज इट इज पड़ा रहता है रेस्टिंग स्टेज में। और जब भी ये ऐसे सीड जर्मिनेट होते हैं तो ये इन्फेक्शन जो स्पोर है वो भी जर्मिनेट होते हैं थ्रू बेसिलियम। तो इनके बाद स्पोर में टिलिटोस्पोर जर्मिनेट इनटू बैसिलियम थ्रू बाय मियोसिस। तो जब सोइंग के जब डी जर्मिनेट करता है तो टिलिटोस्पोर भी
जर्मिनेट करते हैं और मियोसिस के थ्रू जर्मिनेट करते हैं, और कहाँ करते हैं, सॉइल में। तो जर्मिनेशन में जो प्रोसेस हो रहा है वो मियोसिस हो रहा है। तो एक डिप्लॉइड टिलिडोस्पोर से फोर हैप्लॉइड बेसिडियल सेल बनती हैं। हैप्लॉइड बेसिडियम सेल बनती है। ये बेसिडियम सेल बाद में बेसिडियोस्पोर बनाती हैं। और ये बेसिडियोस्पोर बेसिडियम फॉर बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर जो वापस माइटोटिक डिवीजन करके स्पोरेडिया, चेन ऑफ बेसिडियोस्पोर कह सकते हैं इसे, स्पोरेडिया बनाता है, विच आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, जो माइटोटिक डिवीजन करके फॉर्म चेन ऑफ स्पोर, चेन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर कॉल्ड बेसिडिया, सॉरी स्पोरिडिया, इसे हम स्पोरिडिया कहते हैं। अब ये स्पोरिडिया डाइकैरियोटाइजेशन के प्रोसेस के बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। डाइकैरियोटाइजेशन का प्रोसेस हमेशा याद रखेंगे डिफरेंट स्टेन की दो हैप्लॉइड सेल्स में ही होगा, क्योंकि टिलिडोस्पोर अपोजिट स्ट्रेन के थे दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डिप्लॉइड कंडीशन में भी इनमें दोनों ही जो कैरेक्टर थे वो मौजूद थे। और जब इनके इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस से जो हैप्लॉइड चार बेसिडियम बनी, ये चारों बेसिडियम अलग-अलग स्ट्रेन की थी, दो प्लस स्ट्रेन की और दो माइनस स्ट्रेन की। डाइकैरियोटाइजेशन के प्रोसेस में प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर से मिलकर डाइकैरियोटिक एंटिटी बनाता है, जो बाद में माइटोटिक डिवीजन कर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाती है। प्रोसेस को कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। डाइकैरियोटाइजेशन कैसा होता है हमने काफी अच्छे से समझा है रस्ट और लूज स्मट की लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पर हम उसको और ज्यादा डिटेल में ना करेंगे, नहीं करते हुए इसे देखते हैं डाइकैरियोटाइजेशन के बाद क्या बन जाता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है, और ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या बनता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम, माइटोटिक बाई माइटोटिक डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है इट इज द इंफेक्शियस स्ट्रक्चर, क्या है, इंफेक्शियस स्ट्रक्चर है। और ये इन्फेक्ट करता है किसमें, सीडलिंग में। और ये जो सीडलिंग में इन्फेक्शन करने के बाद ये सिस्टमेटिक मैनर में जाकर कहाँ सेट होता है बाद में, ईयर में, ग्रोइंग ईयर में सेट होता है। और जैसे जैसे ईयर
ग्रो करती जाती है उसके वैसे वैसे ये उसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए माइटोटिकली डिवाइड करते हुए ग्रो करता जाता है और लास्ट में जब ये मैच्योर होती है और उसमें सीड सेट होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो फूड स्टोर होना चाहिए उसकी जगह पर मास ऑफ टेलिटोस्पोर भरा रहता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, जिसके चारों तरफ एक वीक सीड कोट अटैच रहता है जो कि थ्रेसिंग के टाइम पे टूट जाता है, और उस सीड कोट के टूटने से ये टेलिटोस्पोर वापस हवा में लिबरेट होते हैं और अपने आसपास जो हेल्दी सीड है उनसे के सीड कोट पर सरफेस पर चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये जो कवर्ड स्मट है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। कवर्ड स्मट की लाइफ साइकिल में दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक टिलिस्टोस्पोर और एक डेसिडियोस्पोर। टिलिस्टोस्पोर जहाँ डिप्लॉयड या डाइकैरियोटिक होता है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है, वहीं जो डेसिडियोस्पोर है यूकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है। कवर्ड स्मट में कभी भी यूकैरियोटिक माइसीलियम इन्फेक्शन नहीं करता है, इन्फेक्शन हमेशा डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही करता है। आई थिंक आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी परेशानी है, जो भी क्वेरी है आपकी, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पैथोलॉजी में और किसी पैथोजन की लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।